खोए की बर्फी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं गैस को ऑन कर दे रही हूँ। देखिए मैं गिलास पानी डाल दे रही हूँ। देखिए मैं चीनी ऐड कर दे रही हूँ। देखिए मैं गैस की आंच को तेज करके ही इसका चाशनी निकालूंगी। चीनी को अच्छी तरह गल जाएगी तब। देखिए मैंने गैस की आंच को चलाती रहूंगी, जब यह गाढ़ी हो जाएगी तब मैं गैस की सीटियों को कम कर दूंगी। इलायची ले ली, इसको मैं कूट करके डाल दूंगी चाशनी में। अच्छा इसको इससे गुठली ना रह जाए। अभी हमारी बहुत ही अच्छी बर्फी तैयार होगी। आप इसको किसी भी त्योहार पर, होली पर, दीपावली पर या वैसे भी बना कर खा सकते हैं, किसी के बर्थडे पर भी बना सकते हैं, रिश्तेदार को खिलाने के लिए, वैसे पानी देने के लिए भी कभी बना सकते हैं आप इसको, कभी भी बना सकते हैं। ये असली खोए की बर्फी बनेगी। देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा मिल गया, अभी मैं इसको और मिलाऊंगी अच्छी तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक चला रही हूँ। देखिए हमारी खोए की चाशनी एकदम से गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको इसी प्रकार चलाऊंगी और गैस को बंद कर दूंगी। 5 मिनट तक इसी प्रकार चलाऊंगी, नहीं तो इसमें गांठे पड़ने लगी। एकदम मिल गई है चाशनी और खोया, एकदम से मिल गया। मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह मिला दे रही हूँ। देखिए हमारी बर्फी गाढ़ी हो गई है। मैंने प्लेट में घी लगा लिया, मैं इसी में फैला दे रही हूँ। देखिए हमारी गाढ़ी हो चुकी, मैं इसी में फैला दे रही हूँ। पंखे में रख दूंगी जिससे यह सेट हो जाए, तब मैं इसकी पीस निकाल लूंगी। देखिए हमारी मावे की बर्फी 2 घंटे के बाद सेट हो गई है। मैं इसको चाकू के सहायता से निकाल ले रही हूँ पीस बना करके। भी बनाया मैं बर्फी का सेप बनाऊंगी, क्योंकि हमारी बर्फी है। देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। आप भी इसी प्रकार बनाइए और खाइए।
देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी तरह सेट हो गई है और निकल जा रही है पीस पीस। मावे की बर्फी तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।